बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों 13वीं सदी ईस्वी में जब चंगेज खान ने आलम इस्लाम पर यलगार की तो तुर्कान गज का एक कबीला काई अपना वतन खुरासान छोड़कर माहान चला गया। माहान मौजूदा रूस में तुर्किस्तान के मशहूर शहर बरो के करीब एक गाँव था। जब मंगोलों ने इस जगह हमला किया तो इस कबीले के सरबराह सुलेमान शाह ने 597 हिजरी बा मुताबिक 1200 ईस्वी में अनातोलिया का रुख किया। अनातोलिया से मुराद मौजूदा तुर्की का वो हिस्सा है जो एशिया में शामिल है। कहते हैं कि सुलेमान शाह को जिहाद की बड़ी ख्वाहिश थी, इसी गरज के लिए वो मशरकी अनातोलिया में चले गए और वहाँ उन्होंने 7 बरस तक क्याम किया और इस क्याम के दौरान उन्होंने ईसाइयों का किला कमा किया जो कि अफलात आकर लूट मार किया करते थे। उन्होंने शुमाल की बाजंतीनी यानी के रूमी हुकूमत से टक्कर ली जिसका मरकज तराबजून यानी के मौजूदा तुर्की की एक अहम बंदरगाह था। इसके बाद सुलेमान शाह ने शाम के मशहूर शहर हलब की तरफ पेशकदमी की। इस पर कुछ मौरखीन लिखते हैं कि सुलेमान शाह हलब की जानिब इसलिए गए थे क्योंकि ईरान में मंगोलों की वापसी शुरू हो गई थी और दूसरी ये कि सुलेमान शाह आखिरी सलेबी जंग में शिरकत के लिए बैतुल मुकद्दस जा रहे थे। जब सुलेमान शाह का काफिला हलब के करीब दरिया फुरात पर पहुँचा तो सुलेमान शाह दरिया पार करते हुए पानी में डूब कर जाँ बहक हो गए। सुलेमान शाह की वफात के बाद उनका बेटा अर्तुगरुल गाजी अपने भाई सुंगुरतुकीन के साथ काई कबीले के 340 घरानों के साथ अनातोलिया की जानिब रवाना हुआ। उस वक्त सलजू की तख्त पर अजीम सलजू की सुल्तान अलाउद्दीन के कोबा तख्त नशीन थे। जब अर्तुगरुल गाजी अपने जंगजुओं के साथ सिवाज शहर के करीब पहुँचे तो वहाँ एक मैदान में उन्हें दो फौजें आपस में जंग करती हुई नजर आई। इनमें से एक हरीफ ताकतवर था जबकि दूसरा कमजोर। अर्तुगरुल गाजी ने कमजोर हरीफ की मदद करने का फैसला कर लिया। ये भी मुमकिन है की उन्होंने फौज के परचमों और सिपाहियों की वजाकता और लिबास से भी उनकी कौमियत और मजहब का अंदाजा लगा लिया हो। बहरहाल अर्तुगरुल गाजी के पास उस वक्त सिर्फ 444 सवार थे लेकिन वो इस मुख्तसर सी फौज को लेकर उस ताकतवर फौज पर बिजली की तरह टूट पड़े जो फौज कमजोर सिपाहियों को मार रही थी। ये हमला इस कदर अचानक था कि उस बड़ी फौज के अफसरों और सिपाहियों को यही गुमान गुजरा कि हरीफ को कहीं से तादादम बड़ी सिपाहियों की कुमक हासिल हो गई है। उस जबरदस्त फौज के सिपाहियों के कदम उखड़ गए और वो मैदान जंग से भाग खड़े हुए। जब मैदान जंग साफ हुआ तो फातेह फौज के सिपा सलार ने तो ये जानने की कोशिश की कि ये कौन लोग थे जो एक नाजब के मौके पर रहमत के फरिश्ते बनकर आए। एक लंबे तारुफ के बाद इनके शाफ हुआ के भागने वाली फौज मंगोलों की फौज थी और अर्तुगरुल गाजी और उनके साथियों ने जिस फौज की मदद की वो सलजू की सुल्तान अलाउद्दीन की फौज थी। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल की बहादुरी और जवामर्दी से बेहद खुश हुए। यूँ उन्हें इनाम के तौर पर रूमियों के नजदीक सोगूत का इलाका अता किया। ये सरसब्ज इलाका दरिया सिकारिया की बाएं जानिब वाके था गो की ये कोई वसी इलाका न था लेकिन बाजंतीनी यानी रूमी सल्तनत की सरहद के करीब वाके होने की वजह से इसकी बड़ी अहमियत थी। सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाजी को उशबक यानी सरहदी सरदार का लकब दिया। अर्तुगरुल गाजी बहादुर और होशियार जर्नेल थे। अर्तुगरुल गाजी के क्याम के कुछ ही अरसे के बाद निकिया के शहनशाह और सलजू की सुल्तान के दरमियान जंग छिड़ गई। सुल्तान अलाउद्दीन के को बाद अपनी फौज के साथ सरहद की जानिब रवाना हुए जिसके बाद अर्तुगरुल गाजी ने भी अपने सिपाहियों की एक जमात तैयार की और सलजू की सुल्तान की मदद के लिए रवाना हो गए। जल्द सलजू की सिपाहियों ने ईसाइयों के एक किले कराचा हिसार का मुहासरा कर लिया। इस मुहासरे के दौरान काई कबीले के सिपाहियों ने सलजुकियों की बड़ी मदद की और अर्तुगरुल गाजी की मदद से ही सलजुकियों ने यह किला फतह किया। कराचा हिसार की फतह के बाद सलजू की सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुगरुल गाजी की बेहद तारीफ की। अर्तुगरुल गाजी जब सरहद पर रूमियों के साथ जंग में मसरूफ थे तो उन्होंने उस दौरान अपने नौजवान बेटे उस्मान गाजी को सुल्तान अलाउद्दीन की खिदमत में पाया तख्त कूनिया भेजा। अर्तुगरुल गाजी जो की इंतहाई बहादुर बासलाहियत और नेक शख्स थे उन्होंने कराचा हिसार की फतह के बाद बेलिजिक किले के टेकफोर को सलजू की रियासत को टैक्स देने का मुतालबा किया लेकिन इसके थोड़े ही अरसे के बाद यानी 1281 ईस्वी में काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी का इंतकाल हो गया। अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद लोगों ने सुगूत शहर में अर्तुगरुल गाजी की औलाद में से उस्मान गाजी को काई कबीले का नया सरदार मुंतखब कर दिया क्योंकि वो अर्तुगरुल गाजी के बाद उस्मान गाजी को ही काई कबीले के सरदार के तौर पर देखना चाहते थे। उस्मान गाजी को अपने वालिद की जानिब से सलजुकियों का दिया हुआ एक सरहदी ओहदा मिला जो कि उस वक्त चारों इतराफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था। उस्मान गाजी अपने वालिद की तरह नहायत बहादुर और ताकतवर तरीन सरदार थे और इसके साथ साथ वो जंगे हिकमत अमली से बाखूबी वाकिफ थे। वो इंतहाई साबित कदम और साबिर इंसान थे। उस्मान गाजी ने अपनी जिंदगी इस्लाम के लिए सर्व कर दी। वो एक ऐसी रियासत कायम करना चाहते थे जहाँ पर इस्लाम का बोलबाला हो और एक आलमी निजाम कायम हो जिसके झंडे के नीचे आलम इस्लाम के मुसलमान अमन के साथ
साथ रह सकें और इस ख्वाब की तकमील के लिए उन्होंने कोई मौका हाथ से न जाने दिया। उस्मान गाजी ने जब काई कबीले की सरदारी को संभाला तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने हमसाये यानी के पड़ोसी रोमन जागीरदारों के खिलाफ फतूहात को बढ़ाएं, लेकिन उस्मान गाजी ने अपना इरादा जाहिर न किया और यानी शहर और रेफ के किले के रोमन टेकफरों और कमांडरों के साथ इन्होंने दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखे। लेकिन इस दौरान इनागोल के टेकफुर आया निकोला ने समझ लिया कि उस्मान गाजी दर हकीकत तो दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए हैं, लेकिन असल में वो अपनी फौजों को जमा कर रहे हैं ताकि वो रूमी जमीनों को फतह कर सकें। इसलिए उस्मान गाजी को रोकने के लिए और सल्तनत उस्मानिया की ताकत को तोड़ने के लिए उसने उस्मान बे के कई वफादार और हामी तुर्क कबाइल पर हमला करके तुर्कों को शहीद कर दिया। रूमी गवर्नरों की जानिब से मुसलसल हमले से तंग आकर उस्मान गाजी ने इनागोल के गवर्नर आया निकोला के खिलाफ हमले की मंसूबा बंदी की और वो इनागोल को फतह करने की तैयारी करने लगे। इस मकसद के लिए उन्होंने अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी के दोस्तों आकचा कुचाक, तुर्गुत अलप, पुनूर अलप और अब्दुर्रहमान गाजी से मुशावरत के बाद जंग की तैयारी शुरू की और जल्द ही वो अपनी फौज के साथ रूमी सरहद में दाखिल हुए। यहाँ उनका सामना आया निकोला की जेर कंट्रोल रूमी फौजों के घात में हुआ, जहाँ एक बड़ी वादी के दोनों इतराफ से दरख्तों में छुपे रूमी सिपाहियों ने अचानक उस्मान गाजी पर हमला कर दिया और एक सख्त जंग शुरू हुई। उस्मान गाजी और उसकी फौज को एक बड़ी सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ा और बेशुमार तुर्क इस हमले में मारे गए, जिनमें उस्मान गाजी का बेहतरीन जंगजू बाय होजा भी शहीद हो गया और उस्मान गाजी बड़ी मुश्किल से रूमी हिसार को छोड़कर अपने सिपाहियों को जिंदा वापस लाने में कामयाब हुए और यूँ इस जंग में किसी भी फरीद को फतह हासिल न हो सकी। इस इब्तदाई शिकस्त के बाद जब उस्मान गाजी वापस सुगोत शहर में आए तो वो बेहद उदास थे। वो अपने खेमे में गए और खुद को खेमे में बंद कर लिया। उन्होंने नमाज अदा की और अल्लाह से मदद मांगी और खूब गिड़गिड़ा कर रोए। उसके बाद उस्मान गाजी को नींद आ गई और वो वहीं सो गए। जब उस्मान गाजी रात को सोए तो उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके शेख एदबाली के सीने से एक चांद निकलता है जो कि इनके सीने में दाखिल हो जाता है। फिर वो देखते हैं कि इनके यानी उस्मान गाजी के सीने से एक तनावर दरख्त निकलता है और ये दरख्त बड़ा होकर सायादार दरख्त बनता है और ये दुनिया पर छा जाता है। जब उस्मान गाजी सुबह को बेदार हुए तो अपने शेख के पास गए और उन्हें अपना ख्वाब बताया। शेख अदबाली ने कहा कि मेरे बेटे, कि अल्लाह ताला तुम्हारी औलाद को सल्तनत नसीब करेगा और मेरी बेटी तुम्हारी शरीक हयात होगी। इसके बाद उस्मान गाजी का निकाह उन्होंने अपनी बेटी के साथ कर दिया। कहते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर के बाद उस्मान गाजी ने अपनी तलवार को, जिससे उन्होंने बेशुमार जंगे जीती थी, को मजबूती के साथ अपने सीने से लगाया। यूँ उस्मान गाजी की हिम्मत और एतमादी लौट आई, जिसके बाद उस्मान गाजी ने कराचा हिसार किले पर कब्जा करने के लिए एक मंसूबा बनाया। कराचा हिसार दरअसल इनागोर की फतह में बुनियादी रुकावट था और उस्मान गाजी को पहले इस पर हमला करके इसे खत्म करना था। ये किला इनागोर शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर मशरिक में वाक़ था और इसे इनागोल शहर की हिफाजत के लिए बनाया गया था। अगर इस किले पर कब्जा कर लिया जाता तो इनागोल शहर को फतह करना नहायत आसान हो जाता। चुनाचे कराचा हिसार की फतह के लिए उस्मान गाजी ने अपने चंद एक जानिसार सिपाहियों को रूमी फौजियों के भेस में किले में दाखिल किया। उस्मान गाजी के इन जानिसार सिपाहियों ने रात होने पर शहर के दरवाजे खोल दिए। इस दौरान उस्मान गाजी जो कि शहर के बाहर घात लगाए बैठे थे, वो अपने 450 जंगजुओं के साथ तेजी से शहर में दाखिल हुए और उन्होंने शहर में मौजूद तमाम ईसाई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उस्मान गाजी ने इस किले पर कब्जा कर लिया और इसकी दीवारों को गिरा दिया, जिसके बाद इनागोल शहर गैर महफूज हो गया क्योंकि इसकी अपनी दिफाई चौकी यानी कराचा हिसार तबाह हो चुका था। ये उस्मान गाजी की पहली फतह थी। कराचा हिसार के तबाह होने के बाद इनागोर के टेकफुल आया निकोला ने कुरूचे हिसार के गवर्नर को एक खत लिखा कि हमें मिलकर उस्मान को खत्म करना होगा, नहीं तो उस्मान हमारे इलाके छीन लेगा। आया निकोला ने मिसाल देते हुए कहा कि अगर हमने इस वक्त उस्मान को खत्म न किया तो बाद में गिरे हुए दूध पर रोने का कोई फायदा नहीं। और यूँ आया निकोला और कराचा हिसार का गवर्नर उस्मान गाजी के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। दोनों ने अपनी फौजों को जमा किया और मुत्तहिद होकर उन्होंने उस्मान गाजी को खत्म करने के लिए सोगूत की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इससे अगला पार्ट इंशाल्लाह हम कल अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।